एनबीसी न्यूज की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। अब खबरें विस्तार से। एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत अब कैदियों को भी अपनी बनाई चीजें रेलवे स्टेशन पर बेचने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार की वोकल फॉर लोकल नीति के तहत रेलवे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद ये कार्यक्रम चला रहा है, जिसके लिए रेलवे स्टेशनों पर उत्पादों की बिक्री के लिए कियोस्क भी स्थापित किए गए हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ नागपुर के राहुल पांडे और कार्यक्रम अधीक्षक नागपुर के अनूप कुमार कुमरे के हाथों किया गया। दीपावली को ध्यान में रखते हुए झालर तैयार की जाएगी। जेल के बाहर ही स्टॉल लगाकर उनको बेचने की तैयारी है। दीपावली को देखते हुए पहले झालर बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद बंदी कैदियों को एलईडी के बल्ब बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि दीपावली के त्यौहार पर जेलों में मिट्टी और गाय के गोबर से बने दिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, अनेक प्रकार की रंगीन व सुगंधित मोमबत्तियां, अगरबत्तियां, एलईडी झालरें बनाई गई हैं। कारागृह विभाग द्वारा जेलों में निरुद्ध बंदियों को अनेक रोजगार परक कार्यों का प्रशिक्षण देकर उन्हें समाज की उपयोगी इकाई बनाकर पुनर्वासित करने का कार्य भी धड़ल्ले से चल रहा है, जो अपने आप में काफी सराहनीय बात है। एक बहुत ही शुभ पर्व है। इस अवसर पर नागपुर कारागृह प्रशासन ने विशेषता वहाँ कैदियों द्वारा बनाए गए बहुत ही सुंदर ऐसे प्रोडक्ट्स दिवाली के लिए जो हर घर में उपकारक जो उपयुक्त है, इनका एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन यहाँ अजमेर रेलवे स्टेशन पर जो रखा है। मेरे ख्याल से आज अपने कारागृह में जो कैदी है उनको सुधारने का, यानी रिफॉर्मिस्ट थ्योरी हम जिसको कहते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट करने का भी एक बहुत अच्छा अवसर दिया जाता है। उनमें जो बहुत सारी कलाएँ जो है उसका एक बहुत शानदार प्रदर्शन किए, न केवल इससे समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है बल्कि कैदियों को भी बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा कि जब वो वहाँ से छूटे तो अपने उधर निर्वाह के लिए एक लेजिटिमेट तरीके से भी वो कार्य कर सकेंगे। मैं नागपुर कारागृह प्रशासन का तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा स्थान चुना है। मैं रेलवे प्रबंधन का भी विशेष तौर से उल्लेख करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी उपयुक्त जगह कैदियों के द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए दी है, और यहाँ आप देखेंगे तो बहुत शानदार वस्तु है और बहुत ही यानी काफ़ी सस्ती है। मार्केट से तो मेरे ख्याल से 1/3 या 1/4 रेट पे यहाँ होनी चाहिए। मैं नागपुर कर नागरिकों से भी आह्वान करूँगा कि इस शानदार मौके का वो फ़ायदा उठाए, यहाँ आए, दिवाली के लिए घर में लगने वाली वस्तुओं का यहाँ खरीदारी करें और जेल प्रशासन और कैदियों सबका मनोधैर्य भी बढ़ाए। धन्यवाद। दरवर्षी प्रमाणे यावर्षीसुद्धा दिवाळी मेळ्याचं उद्घाटन आमच्या कारागृह प्रशासनाकडून दिवाळी मेळा सोहळा आम्ही या ठिकाणी अजनी स्टेशनला साजरा करीत आहोत। हा पहिला उपक्रम आहे की रेल्वे स्टेशनमध्ये आम्ही हा उपक्रम साजरा करीत आहोत। यापूर्वी आम्ही आमच्या कारागृहाच्याच विक्री केंद्रामध्ये हा सोहळा चं आयोजन करायचो, पण यावर्षी लोकांमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात समाजामध्ये ज्या बंद्यांनी तयार केलेल्या ज्या वस्तू आहेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचाव्यात, आणि महिला बंद्यांनी तयार केलेले जे पंते आहेत त्या पंत्यासुद्धा समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचावं, या दृष्टीने आम्ही या ठिकाणी हा मेळाव्याचं आयोजन केलेलं आहे। रेल्वे स्टेशनमध्ये हा पहिला उपक्रम आहे जो की आपण ह्या ठिकाणी लावलेला आहे। यापूर्वी कुठे झालेलं नाही असं मला वाटतं। हा पहिला उपक्रम आहे की रेल्वे स्टेशनमध्ये आपण हा दिवाळी मेळा साजरा करीत आहोत। प्रदर्शनीमध्ये पंती आहे, आपले स्टँड आहेत, लोखंडी स्टँड आहे, कुंडी स्टँड आहे, चादर आहे, बेडशीट आहे, रुमाल आहेत, नॅपकिन्स आहेत, आपण देवघरात आपण पूजा करताना लाकडी पाट आहे, पट्टी आहे, भोजनपट्टी आहे, सतरंजे आहेत, असे अनेक प्रकारच्या वस्तू आहेत की आमच्या बंदी बांधवांनी तयार केलेले आहेत, त्या आम्ही ह्या प्रदर्शनी मेळाव्यामध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिलेलं आहे। गौरतलब रहे कि एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत अब कैदियों को भी अपनी बनाई चीजें रेलवे स्टेशन पर बेचने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार की वोकल फॉर लोकल नीति के तहत रेलवे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना चला रहा है, जिसके लिए रेलवे स्टेशनों पर उत्पादों की बिक्री के लिए कियोस्क भी स्थापित किए गए हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ नागपुर के राहुल पांडे और कार्यक्रम अधीक्षक नागपुर के अनूप कुमार कुमरे के हाथों किया गया। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।